हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट डोसा की रेसिपी। सिर्फ दो बूंद तेल में ये बनकर तैयार हो जाती है। साथ में मैंने चटनी भी शेयर की है और साथ में इसका आलू का मसाला भी, जो बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं या डिनर में, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही यम्मी, डिलीशियस और कम तेल के नाश्ते से। और देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितनी मज़ेदार की बनी है और चटनी तो बहुत ही डिलीशियस है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा 1 कप और साथ में 1/4 सूजी। गेहूं के आटे से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इसे हेल्दी भी बना रहे हैं और साथ में इंस्टेंट भी बना रहे हैं। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 1 कप हमें गेहूं का आटा ले लेना है और साथ में 1/4 हमें सूजी डाल देना है इसमें। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हम चीनी डाल देते हैं, छोटी चम्मच चाय की चीनी होती है ना, उसी से हम 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में यहाँ पे बेसन डाल देते हैं, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे डाला है। और साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपको यहाँ पर। इसे डालने के बाद इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। तो पहले से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड इसे हमने कर लिया, तो सिर्फ 2 ही पल्स हमने यहाँ पे घुमाए हैं राउंड और इस तरह का आपका टेक्सचर आ जाएगा। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, जब चाहें जब इसका डोसा बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1/2 कप दही लिया है, जिस कप से हमें आटा नापा था उसी से 1/2 कप दही ले लेना है और 1 कप पानी इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद चम्मच की सहायता से मिक्स कर लें क्योंकि पानी ऊपर रह जाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर आपका चलेगा नहीं। तो देखिए मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छा सा स्मूथ बैटर इसका बना लेते हैं। तो कम से कम 3-4 राउंड आप इसे ज़रूर चलाएं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और थोड़े से फ्लफी हो जाए। तो देखिए हमने 3-4 राउंड किया था, देखिए अच्छे से कितने अच्छे से बबल्स आ गए हैं, नहीं तो आप इसे फेंट भी सकते हैं। अब इसे हम लगभग 1/2 या 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 1/2 घंटे में अच्छे से रेस्ट हो जाते हैं तो आप 1/2 घंटे के लिए इसे रेस्ट दें। अब यहाँ पे हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे नारियल लिया, फ्रेश नारियल ले लेना है आपको, 1/4 हमने लिया है। और साथ में इसमें हरी मिर्ची डाल लेते हैं, ये बहुत ही तीखी मिर्ची है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डाला। साथ में इमली डाल लेना है 2-3, साथ में थोड़े से यहाँ पे लहसुन 4 से 5 कलियाँ छोटे छोटे और साथ में करी पत्ता डालेंगे। एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, यहाँ पे हमने लिए हैं चने, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका हटा लें वो ले लेना है, नहीं तो यहाँ पे चने भुनी हुई चने की दाल भी ले सकते हैं। साथ में नमक ले लें 1/2 छोटी चम्मच और पानी डाल के इसका स्मूथ बैटर ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो चुका है नारियल का। एक चीज़ खास चीज़ और आपको बताऊँगी, नारियल अगर मीठी है ना तो उसमें मिर्ची ज़्यादा दीजिएगा। अब इसके लिए हम तड़का बना लेते हैं चटनी के लिए। तो इसमें थोड़े से ऑयल डाला है, थोड़ी सी राई डाल देते हैं, सरसों के दाने हैं, पीली वाली है, राई नहीं डाला है। और साथ में यहाँ पे इसे पहले चटकने देते हैं राई को, उसके बाद इसमें हम डालते हैं। राई भी अच्छी तरह से यहाँ पे चटक रहे हैं। इसमें करी पत्ता डाल देते हैं और साथ में यहाँ पे चने की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल हमने ले लेना है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच आप यहाँ पर ले, बाकी का हमने बचा के रखा है, मसाले में डालेंगे। और साथ में यहाँ सूखी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये जो हमने चने की दाल डाली है ना उसे आपको ज़्यादा भुनना नहीं है, यानी कि बिल्कुल लाल नहीं करना है, आप कलर देख सकते हैं। और ये देखिए तड़का हमने इसके ऊपर डाल दिया है, बहुत ही मज़ेदार की चटनी बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी भी रेडी है, अब चलिए आलू का मसाला भी हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी हमने उसी तेल में थोड़ी सी हमने हींग ले लेना है और थोड़ी सी राई हमने ले लेना है, राई नहीं सरसों के दाने लिए, राई नहीं थी दोस्तों। तो इसमें अभी हम 2 से 3 चम्मच और तेल डालेंगे दोस्तों, साथ में करी पत्ता डाल लें और जो बची हुई थी चने की दाल और उड़द की दाल उसे भी डाल लेते हैं 1/2 चम्मच, मिक्स कर लेते हैं। हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, अब इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डाल देते हैं। तो 1 बड़ा प्याज लें, उसे स्लाइस करके डाल दें यहाँ पे, रफली हमने यहाँ पे काट लिया है। और इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है प्याज को, मसाला खास मसाला का ये ट्रिक है कि आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा प्याज उतने तक ही हमें इसे भूनना है। अब इसमें हम एक खाची डालेंगे, लगभग 1 चम्मच हमने यहाँ पर लेना है सांभर मसाला, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है डोसे का, एक बार ट्राई कीजिएगा। और साथ में 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी ले लेना है, थोड़े से मटर है मेरे पास वो ले लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मटर डालिए, नहीं तो आपके पास गाजर है वो भी यहाँ पे डाल दें, जो भी आपके पास फ्रेश सब्जी है ना आप यहाँ पे डाल दें। साथ में यहाँ पे उबले हुए आलू डाल देते हैं, मसाले अच्छे से भून गए थे, अब यहाँ पे आलू को डाल देते हैं। तो लगभग हमने 4 से 5 आलू
को उबाल के ले लिया और उसे हाथों से क्रश कर लिया, बिल्कुल उसे मैश नहीं किया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे अभी भी चंक्स यहाँ पे आलू के हैं। और साथ में यहाँ पे एक चम्मच हमने नमक भी डाल देना है और इसे हमें दो मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे, ताकि जो आलू का जो कच्चापन है ना थोड़े से अच्छे से भून जाए ये आलू, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो देखिए आलू भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी कटोरी पानी। जी हाँ, पानी इसलिए हम डाल रहे हैं कि जो डोसे का मसाला होता है ना थोड़ा सा गीला होता है, नहीं चिकना सा होता है, ताकि आसानी से वो डोसे पे फैल सके। अगर हार्ड होगा तो वो फिर फैलेगा नहीं, तो इसलिए एक छोटी कटोरी पानी डालना है। और हाई फ्लेम पे बस आपको देखें कि हल्का सा पानी सूखने लगा, बॉयल आ गया, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और ये देखिए हमारे आलू का मसाला बनकर तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो कितना अच्छा आलू का मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है, फटाफट वाली रेसिपी है दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सैंडविच में भी आलू का मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। अब आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया है, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को चटनी और हमारा मसाला बनाते हैं बनाते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से फूल भी चुका है, ये सूजी डाली थी तो वो भी अच्छे से फूल गया है, हल्के से फर्मेंट भी हो गया, हल्के बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिक्सर ग्राइंडर में जो ग्राइंड किया था उसकी वजह से अच्छे से फिटा है ये। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 1/4 यानी 1/4 बेकिंग सोडा, देख सकते हैं ना, 1/4 हमने ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसे हम डाल देंगे और यहाँ पे आपको फटाफट मिक्स करना है इसे और फटाफट बनाना है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि बेकिंग सोडा बनाने के डालने के बाद दो डोसा बनाया और फ्रिज में रख दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अच्छे डोसे नहीं बनेंगे, बन तो जाएंगे लेकिन पहले जैसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो ये बात खास ख्याल रखें। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल देना है तवा। यहाँ पर हमने एक तवा लिया है, तो ये नॉनस्टिक तवा है लेकिन बहुत ही पुराना है, जितना पुराना आपका तवा होगा ना उतना ही डोसा बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसे मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया और इसे टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से पोंछ लिया है। अब थोड़े से पानी के छींटे इस पर हम डाल देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर लो हो जाए और गैस का फ्लेम कर देते हैं हम यहाँ पर मीडियम। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और इसके ऊपर से थोड़े थोड़े आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना पानी को, उसे भी अच्छे से टिश्यू पेपर से यहाँ पर पोंछ लें। अब यहाँ पर एक लैडर भर कर लगभग हमने लिया है और इसे इसके ऊपर से डाल देंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और बस इसे राउंड राउंड इस तरह से गोल के शेप में आप घुमाते जाएं, एक ही डायरेक्शन में, उल्टा नहीं घुमाना है आपको, एक ही डायरेक्शन में आप इसे घुमाते जाएं और कहीं लग रहा ना ज़्यादा तो हल्के से हाथों से इसे कर दें, मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा आप इसे, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ही ऊपर का लेयर सूख जाए तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल देंगे, ऑयल डालने के बाद इसे ब्रश की सहायता से चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बने हमारे डोसे। तो देखिए अच्छे से ऑयल को भी हमने फैला दिया और ये धीरे धीरे लाल होने शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही सेकंड लगे हैं और ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे लाल हो चुका है। अब इसे आसानी से हम निकाल लेते हैं और ये देखिए इसे हम फोल्ड कर लेते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये लीजिए हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर तैयार है, गर्मा गर्म इसे परोसे, बिल्कुल भी ठंडा ना करें, बहुत ही खाने में टेस्टी है और कुरकुरी है। ये देखिए अंदर की लेयर कितनी पतली और क्रिस्पी बनी है। सारे टिप्स और ट्रिक्स आप इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो आपके भी डोसे इसी तरह से बनेंगे। बस एक खास बात ख्याल रखें, गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये देखिए चारों तरफ से कितने सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस। चलिए एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो जैसे ही आपका पहला डोसा इस तरह से बन गया तो बस थोड़े से पानी की छींटे डालिए ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और गैस का फ्लेम मीडियम ही रहना है चाहिए। बस इसे टिश्यू पेपर से पोंछ लें पानी को और फटाफट एक लैडर भर कर डाल दें बैटर को, बस इसे गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते जाएँ और हमारा सुपर डिलीशियस क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी कर सकते हैं जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है। देखिए कितनी आसानी से ये बाहर निकल आते हैं और 2 मिनट के अंदर बन भी जाते हैं। फटाफट इसे मोरे, आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, कम तेल का नाश्ता, चाहे आप रात के डिनर में खाएँ, बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही सुपाच्य होता है। चलिए मैं आपको इसे एक आलू की स्टफिंग के साथ भी आपको बता दूँ ताकि देख सकें कि आलू कितने हमने गीले गीले बनाए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाते हैं। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। आलू का मसाला देखिए इस पर हमने डाल देना है, ज़्यादा मसाला हो गया है, थोड़ा सा कम डालेंगे हम, ज़्यादा भी आलू अच्छे नहीं लगते हैं डोसे में। बस इसे आसानी से फैला दें, गीला रखा है तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, अगर हार्ड रखेंगे ना आलू का मसाला तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होते हैं और अच्छे से फैल गए हैं। बस इसे भी हम फटाफट मोड़ देंगे, चारों तरफ से अच्छे से लाल हो चुके हैं। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी कोई डिमांडेड रेसिपी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
बहुत ही अच्छे लाल और क्रिस्पी है। इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ खाएं नारियल की, बहुत ही अच्छी और डिलीशियस है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।